फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम हो मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट में। आज ये मेरे पास एक TCL का 21 इंच का टीवी है और इसकी पावर ऑन होती है लेकिन स्क्रीन ऑन नहीं होती, ना ही पिक्चर आ रही है ना कुछ आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, ये फॉल्ट मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, ये बहुत ही अजीब फॉल्ट है। तो सबसे पहले मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारी फॉल्ट ट्रेसिंग का आइडिया हो, और मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें, ये TCL है, इसकी मैं ये पावर ऑन कर रहा हूँ। ये देखें दोस्त, इसकी स्टैंड बाई लाइट ऑन है, पिक्चर कोई नहीं है। अभी मैं इसको प्रोग्राम बटन प्रेस करता हूँ। कुछ भी नहीं असर हो रहा। तो दोस्तों, मैं इसको अब खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ इसकी लाइव फॉल्ट ट्रेसिंग, किसमें क्या मसला है। जी दोस्तों, मैंने इसको टाइम बचाने के लिए इसका बैक पैनल खोल दिया है ताकि टाइम वीडियो लंबी ना हो। अभी इसका मैं ये सर्किट बोर्ड निकालूंगा। इसके सारे जैक्स निकाल लें, इसके स्पीकर जैक्स हैं। दोस्तों, ये मैंने इसको ओपन कर ली। ये इसका सर्किट है दोस्तों, ये इसकी किसी ने ESD पहले चेंज की है, अल्टरेशन की है। इसकी अपनी ESD नहीं थी, कुछ आगे पीछे करके कनेक्शन इसको लगाए हुए। तो अभी मैं आपके सामने इसको ऑन करता हूँ और इसकी फॉल्ट ट्रेसिंग करते हैं कि क्या आया, किस चीज़ में मसला। ये एक मैं इसको पावर केबल लगा देता हूँ। वोल्टेज मैं रख लेता हूँ 200 वोल्ट DC पे, 500 वोल्ट DC करते। इसकी पावर ऑन करता हूँ। दोस्तों, ये सर्किट ऑन हो गए। अब मैं इसकी सबसे पहले इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे चेक करेंगे, 300 वोल्ट हैं। दोस्तों, मीटर पे देखें 320 वोल्ट आ रहे, तो ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट, अब मैं इसकी सेकेंडरी वोल्टेज देखता हूँ। ये देखें, इसकी B+ 111 वोल्ट बन रही है। दस वोल्ट भी बन रहे हैं इसके। इसके 14 वोल्ट भी बन रहे हैं, इसके 23 वोल्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसके सेकेंडरी वोल्टेज भी सारे बन रहे हैं। अब फर्दर देखते हैं इसमें कि आगे क्या मसला है। अब इसके B+ वोल्टेज मैं देखता हूँ, ESD पे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। ये आ गया 110 वोल्ट, ये रेजिस्टर लगा हुआ है ESD के दरमियान, B
पी प्लस लाइन पे। ये देखें दोस्तों, ESD पे भी 110 111 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारी बी प्लस लाइन ठीक है और ESD नहीं बन रही। दोस्तों अब मैं इसके जंगल IC पे वोल्टेज देखूंगा कि इस पे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये मैंने नेट से इसकी डेटा शीट निकाली है इस IC की, इस पे 8823 लगा हुआ है IC, और इसकी ये पिन नंबर 55, ये 55 नंबर पिन है, इस पे 5 वोल्ट है, और आगे इसकी 9 नंबर पिन, इस पे 5 वोल्ट है। इस पे हमने ये वोल्टेज देखने हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमारा सेट क्यों नहीं आन हो रहा। तो दोस्तों इसकी 55 नंबर पिन, ये नंबरिंग इसकी हुई है 47, ये 53 है, ये आ गई इसकी। दोस्तों देखें मीटर पे इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसकी मैं 9 नंबर पिन चेकूंगा, ये 5 नंबर दिए हुए, ये 10 है, इससे एक पिन पहले। ये देखें दोस्तों, इसकी 9 नंबर में पिन पे भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारे प्रोसेसर पे वोल्टेज आ रही है। अब अगला स्टेप है कि मैं इसकी देखूंगा इसका मेमोरी IC की 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका ये लगा हुआ मेमोरी IC, ये इसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर पिन। देखिए दोस्तों इस पे भी 5 वोल्ट पूरे हैं। तो सेकेंडरी की हमारी सारी वोल्टेज पूरी हमारे प्रोसेसर पे भी आ रही है, हमारी EEPROM IC पे भी आ रही है। अब अगला स्टेप है मैं इसका हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर देखूं, उस पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। ये देखें दोस्तों, इस पे आ रही है वोल्टेज, और इस साइड पे स्विचिंग कर रहा है इसलिए वोल्टेज नहीं शो कर, इस पे भी वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसके देखता हूँ आगे, इसका जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है उस पे वोल्टेज आ रही है, ये उसका कलेक्टर लगा हुआ, इस पे 112 वोल्ट शो कर रहे। अब अगर ये सेट ऑन होता है, ESD बन रही होती, तो ये शो नहीं करना था, ये स्विचिंग कर रहे होते। तो हमारे तकरीबन अब मैंने देख लिए सारे वोल्टेज पूरे हैं सेकेंडरी के, और 110 12, इधर ESD भी पहुंच रहे हैं, तो इधर भी पहुंच रहे हैं। और अगर ये शार्ट होता तो हमारा सेट ऑन नहीं होना था, ये ट्रांजिस्टर जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है। तो अब मैं इसको देखता हूँ ट्रांजिस्टर में, आपको दिखाता हूँ कि ये शार्ट है या नहीं है। वो बीप देते हैं लेकिन मुझे लग रहा है ये शार्ट नहीं है, शार्ट होता तो सेट ऑन नहीं होना था। पहले मैं सेट की पावर ऑफ करूंगा। अब मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे, अभी शार्ट नहीं शो कर रहा, इधर भी नहीं शो कर रहा, इधर भी नहीं शो कर रहा शार्ट, इधर भी नहीं शार्ट कर रहा। तो दोस्तों हमारी सारी चीज़ें तकरीबन सही हैं, इसके सेकेंडरी वोल्टेज सारे बन रहे हैं, इसके EEPROM IC पे आ रही है वोल्टेज, और मेन जंगल IC पे आ रही है। तो अब मैं एक चलें चेक करते हैं ये चेंज करके, इसका मेमोरी IC चेंज करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसका ये 24C16 मेमोरी IC था, EEPROM IC था, वो मैंने चेंज कर दिए, न्यू लगा दिए, ये देखें। और अब इसको मैं पावर ऑन करके चेक करता हूँ कि हमारा सेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ। जी व्यूअर्स, पावर प्रेस करते हूँ रिमोट से, ये देखें हमारे सेट ऑन हो गए, डिस्प्ले आ गए। तो हमने देखा कि इसमें सारी चीज़ें ओके थी, सारे वोल्ट्स ओके थे, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो मैंने इसका मेमोरी IC चेंज की है और हमारा सेट ऑन हो गए। अभी मैंने केबल लगाई है और ये देखें इसकी पिक्चर आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।